गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द टायर एजुकेशन फ्रेंड्स टारगेट ऑल राउंडर के टायर एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 15 जून 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टायर एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टायर एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ और अन्य बहुत सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास, और आप लोग से आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट हैज वन द टाइटल ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब किस राज्य ने जीता है? सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा की टीम ने, हरियाणा राज्य की सभी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा 52 स्वर्ण, 39 रजत और 46 कांस्य पदक सहित कुल 137 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा है। और इसके अलावा महाराष्ट्र 45 स्वर्ण, 40 रजत, 40 कांस्य पदक सहित कुल 125 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि कर्नाटक 22 स्वर्ण, 17 रजत और 28 कांस्य पदक सहित कुल 67 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। ये तीनों जरूरी है जानना, इसको याद रखिएगा। सबसे पहला हरियाणा, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है कर्नाटक, ये तीनों रैंकिंग वाइज याद रखिएगा। चलिए देखिए, ऐसा हुआ कि कोविड-19 महामारी के कारण, विलंब के कारण 2021 आपको दिख रहा है एडिशन में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो लेट होने के कारण इसको कई बार टाला गया, कई बार वेन्यूज चेंज किए गए, करते करते फाइनली 4 से 13 जून 2022 तक हरियाणा के विभिन्न जगहों पर के अलावा, हरियाणा में पंचकूला के अलावा शाहबाद, अंबाला, चंडीगढ़, दिल्ली में इसे आयोजित किया गया है और समाप्त भी हो गया है, तभी ये रैंकिंग ये सब जारी हुआ है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था, मैस्कॉट क्या था, तो था धाकड़। और इसमें हम लोग को जानने लायक बात है, ये खेल मंत्री, खेल और युवा मामलों के मंत्री अभी कौन है, तो श्री अनुराग सिंह ठाकुर। ये तो रहे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको जो कितने महत्वपूर्ण है आपको समझ में आया होगा, एक एक पॉइंट इसमें जरूरी है, आगे एग्जाम्स के पार्ट्स बनेंगे। अब चलिए हम लोग ऑप्शन, इसी प्रश्न पर आधारित ऑप्शन के थ्रू कुछ हाल फिलहाल के करंट इवेंट्स जानते हैं जो काफी आवश्यक हैं, जरूरी हैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, ध्यान से सुनिए। चलिए गुजरात की न्यूज में है, तो हाल ही में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये गुजरात। जो हम लोग पोस्ट कार्ड, चिट्ठियां वगैरह जो पोस्टमैन डाकिया के द्वारा पाते हैं, अब ये सब ड्रोन के द्वारा भी डिलीवर किया जा रहा है, और ऐसा करने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। गुजरात राज्य का स्थापना कब हुआ है, 1 मई 1960 में, और इसका राजधानी है गांधीनगर, गांधीनगर, और इसके मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, ये सभी फैक्ट्स याद रखेंगे। उत्तराखंड की न्यूज में है, तो हेल्थ केयर के क्षेत्र में ड्रोन रोल आउट करने वाला पहला राज्य भारत का कौन बन गया है, ये उत्तराखंड बन गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब ड्रोन का भी उपयोग करेगा ये उत्तराखंड, और ऐसा करने वाला ड्रोन के द्वारा आवश्यक जल्दी से दवाइयां हो गए, चिकित्सीय किट्स हो गए, कुछ भी इस तरह का, और तो ऐसा करने वाला इस मामले में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं, एक है देहरादून जो विंटर सीजन के लिए है, और दूसरा है गैरसेन और ये समर सीजन के लिए है। उत्तराखंड राज्य का स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था। वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, और अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं, ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। महाराष्ट्र की न्यूज में है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन बन गया है, तो हाल ही में महाराष्ट्र बन गया है। सबसे ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन ये जो हुआ है, रजिस्टर हुए हैं, ये हुए हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, सभी लोग जानते हैं, और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना कुछ ही लोग जानते होंगे, 1 मई 1960 में, और मुख्यमंत्री अभी उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे, और गवर्नर वर्तमान में वहां पे हैं भगत सिंह कोशियारी, भगत सिंह कोशियारी, ये सभी फैक्ट्स दोस्तों मैंने पहले प्रश्न से ये सभी फैक्ट्स, एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से भी ये सभी फैक्ट्स हमने दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगे हैं तो प्लीज अभी वीडियो को लाइक बटन दबा दें, अपना कुछ सेकंड्स देकर इसे अन्य एजुकेशनल ग्रुप्स और फ्रेंड्स जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग
जरूर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों इतना सहयोग आप लोग जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और माफी चाहता हूँ दोस्तों आज क्लास काफी लेट हुआ है, इसका भी कुछ कारण था, कई दिनों से समय अपने अनुकूल नहीं चल रहा है दोस्तों। इसमें आगे मैं इसमें इस तरह का ना हो मैं पूरा ध्यान रखूंगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ कोरिया। हाल ही में नॉर्थ कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है चो सून हुई, ये इसके पहली महिला विदेश मंत्री बनी है नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया आप समझ ही रहे हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेटर जो है कितने वो है। चलिए चो सून हुई को, ये वही बात हो गया यहाँ पे, और ये पूर्व राजनयिक रह चुकी हैं, ये दोनों पॉइंट ये वही बात हुआ। नॉर्थ कोरिया के बारे में देख लीजिए, कैपिटल प्योंगयांग है और मुद्रा वहां पे नॉर्थ कोरियन वोन चलता है और उसके वहां के एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक कौन है? किम जोंग उन। अब चलिए हम लोग प्रश्न पर आधारित इसी तरह के ऑप्शन से कुछ चीजें जानते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम्स के लिए। एलिजाबेथ द्वितीय, ये सबसे लंबे समय तक दूसरे सबसे लंबे समय तक किसी राजगद्दी पर राज करने वाली राजशाही बन गई हैं कौन? एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन की महारानी है यूनाइटेड किंगडम की, और ये दूसरे सबसे लंबे समय तक राज करने वाली राजशाही महारानी बन गई हैं एलिजाबेथ द्वितीय। चलिए ब्रिटेन हो, यूनाइटेड किंगडम हो, इंग्लैंड हो, ये सभी अलग अलग अर्थों में एक ही देश का नाम है, सभी लोग आप लोग जानते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग, यूनाइटेड किंगडम, इसका राजधानी लंदन है और यहाँ पे मुद्रा चलता है पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग, और प्रधानमंत्री वहां पे कौन है अभी? तो बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन। चलिए पियाली बसाक, ये कौन है? तो बिना ऑक्सीजन की सहायता से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही कौन बन गई है? तो पियाली बसाक। माउंट एवरेस्ट की बात हुई है तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और ये नेपाल और सीमा चीन के सीमा पर अवस्थित है और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर, तो इतना ऊंचाई है उसका। और इसमें जो ये 0.686 देख रहे हैं ये सेंटीमीटर में है, ये हाल ही में ये बढ़ोतरी दर्ज किया गया है। चलिए कैप्टन अभिलाषा बराक, ये कौन है? तो भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? तो यही बनी है कैप्टन अभिलाषा बराक। ये सभी चीजें आप दूसरे प्रश्न से याद करेंगे रखेंगे, उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों आज क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही मिला है, हमको लग रहा है 20 प्लस क्वेश्चन शायद आज मिले हैं, नीचे लिस्टेड हैं और देर भी हो गया था, इस कारण से एमसीक्यूज मैं दो ही प्रश्न पर फिट किया हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज में जो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट में जितना दे रहा हूँ उसको कलेक्ट करने में काफी समय और मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, तो और ज्यादा लेट हो जाता है, जिसके कारण से दो ही प्रश्न में एमसीक्यू किया हूँ आज, तो इसके लिए भी माफी चाहता हूँ, कल से फिर मैक्सिमम मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑन विच डे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हैज बीन ऑब्जर्व रिसेंटली, हाल ही में किस दिन विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है? तो 14 जून को। रक्तदाता की आवश्यकता के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने, स्वैच्छिक और अवैतनिक रक्तदाताओं को उनके जीवन रक्षक रक्त के उपहार के लिए धन्यवाद देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस अर्थात वर्ल्ड डोनर डे ये मनाया जाता है। चलिए और ये इस बार विश्व रक्तदाता दिवस 2022 का मेजबान देश मैक्सिको है और ये WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के WHO के द्वारा 14 जून को ही कार्ल लैंड एस्टीनर की जयंती को 2004 से ही विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है घोषणा किया गया था। कार्ल लैंड एस्टीनर जो है मानव रक्त को ए ग्रुप जो होता है ब्लड का AB, AB, O ये सब ग्रुप में इन्होंने ही किया था, इसके लिए इनको बहुत सारे प्रतिष्ठा सम्मान भी मिला था। चलिए विश्व रक्तदाता दिवस का विषय अर्थात थीम ये सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए क्या है, इंग्लिश में ज्यादातर ये होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई भी दिवस का थीम। देखिए डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडरिटी, ज्वाइन द एफर्ट एंड सेव लाइव्स, हिंदी में हालांकि हमने कर दिया है लेकिन इंग्लिश वाला जरूर याद रखेंगे। रक्तदान करना एकजुटता का कार्य है, प्रयास में शामिल हों और जीवन बचाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा कौन सी सैन्य भर्ती योजना लॉन्च की गई है? ये अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना शुरू किया गया है, इसमें क्या होगा? सैनिकों के लिए 4 साल की कार्यकाल योजना है ये अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना, इसमें सैनिकों को युवाओं को सैनिक के रूप में अधिक से अधिक शामिल करना इसका उद्देश्य है
और रक्षा बलों में शामिल होंगे और केवल 4 साल की अवधि के लिए ही इसमें बने रहेंगे। और केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह हैं। और चलिए कुछ और इसी तरह के डिफेंस लेवल की पोस्ट हम लोग देख लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस अर्थात सीडीएस प्रमुख कौन है, तो वो अभी पोस्ट खाली है, हालांकि इस पर कवायद चल रही है, कुछ नाम का सजेशन मिला है अभी, लेकिन फाइनल इस पर कोई नहीं है, क्योंकि भारत के सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस अर्थात सीडीएस प्रमुख जनरल बिपिन रावत थे, जिनका निधन पिछले वर्ष 2021 में 8 दिसंबर को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था, बड़ा ही दुखद रूप से। तब से ये पोस्ट खाली चल रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अर्थात सेना प्रमुख कौन है, तो जनरल मनोज पांडे हैं। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अर्थात उप सेना प्रमुख कौन है, तो बीएस राजू हैं। चीफ ऑफ एयर फोर्स अर्थात वायुसेना प्रमुख कौन है, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अर्थात नौसेना प्रमुख कौन है, तो एडमिरल आर हरि कुमार। ये सभी फैक्ट्स देखिए, मैं आपको ऑप्शन नहीं भी दिया हूँ, एमसीक्यूज नहीं दिया हूँ, तो बहुत सारे आपको फैक्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। क्लास की क्वालिटी लेट होने के बावजूद भी जो देना चाहिए मुझे उसमें कोई कसर मैं नहीं छोड़ा हूँ। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख अर्थात डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये कृष्ण श्रीनिवासन। IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना इसका 1944 में, मुख्यालय इसका USA के वाशिंगटन DC में है, और चेयरपर्सन इसके क्रिस्टलिना जॉर्जिया है, और चीफ इकोनॉमिस्ट इसमें है पियरे ओलिवियर गोरिनचास, क्योंकि इस पोस्ट पर अपने यहाँ से इंडिया से एक इकोनॉमिस्ट थे, शास्त्री थे जाने माने, उनका नाम चलिए आप बताइए कमेंट में, तो उनके जगह पर ये आए थे। चलिए गीता गोपीनाथन थी, चलिए मैं बता दिया, आप लोग तो बताने से गए कमेंट में। चलिए, हु हैज वॉन द बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल अवार्ड एट द रिसेंटली हेल्ड टोनी अवार्ड्स सेरेमनी। सो टोनी अवार्ड समारोह में प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है, तो साइमन रसेल बिल। और ये देखिए ये क्या है, थोड़ी सी हम लोग जान लें। ब्रॉडवे थिएटर में उत्कृष्टता के लिए एंटोनेट पेरी अवार्ड, जिसे आमतौर पर टोनी अवार्ड्स कहते हैं, के नाम से भी जाना जाता है। इसे लाइव ब्रॉडवे थिएटर में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए ये समारोह प्रत्येक वर्ष किया जाता है। मिड टाउन मैनहट्टन में एक वार्षिक समारोह में अमेरिकन थिएटर विंग द ब्रॉडवे लीग द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है टोनी अवार्ड्स में देख लीजिए, प्रमुख भूमिका में अभिनेता तो हो गया आपको ये साइमन रसेल बिल द लेहमैन ट्रिलॉजी के लिए, और प्रमुख भूमिका में अभिनेत्री किसे चुना गया है, तो ये डी एडरे ओ कोर्नेल डाना एच के लिए, और संगीत में म्यूजिकल में अग्रणी भूमिका में अभिनेता किसे चुना गया है, तो माइल्स फ्रॉस्ट को MJ के लिए, MJ ये वाला MJ ऐसे हिंदी में इंग्लिश में था। संगीत में ही म्यूजिकल में ही अग्रणी भूमिका अर्थात लीड रोल में अभिनेत्री किसे चुना गया है, तो ये जोआक्विना कालू कांगो पैराडाइज स्क्वायर के लिए। विदेशी शब्द थोड़ा आहिस्ता पढ़ना ही होता है दोस्तों, आप लोग भी पढ़िएगा। चलिए, बेस्ट डायरेक्टर म्यूजिकल में ही मेरियन इलियट कंपनी के लिए, और बेस्ट प्ले सर्वश्रेष्ठ प्ले संगीत ये म्यूजिक देख लीजिए और स्ट्रेंज लूप, और बेस्ट प्ले द लेहमैन ट्रिलॉजी को मिला है। इसको पुनः एक बार देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं लेकिन फिर भी प्रश्न इसमें से जरूर आ सकते हैं, ऑस्कर की तरह नहीं है ये। हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष बुद्ध पूर्णिमा उत्सव के लिए भारत से किस देश को भेजा गया है, तो ये मंगोलिया को भेजा गया है। और ये जो है अवशेषों के साथ केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वहां पे गया है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, मुद्रा वहां पे तोगरोग चलता है, प्रधानमंत्री पोस्ट वहां पे, मैं इसको अच्छा इसको रहने दीजिए, मैं कमेंट में जरूर इसको क्लियर कर दूंगा, ये गैप मैंने यहाँ पे क्यों दिया है। प्रेसिडेंट अभी उखाना खुरेल सुख हैं, ये सभी मंगोलिया के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडमान सागर और मलक्का जल डमरू मध्य में किस देश के साथ 38वें समन्वित गश्त शुरू किया गया है, ये इंडोनेशिया के साथ। अंडमान निकोबार कमांड की भारतीय नौसेना इकाइयों और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच ये 38वां भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त है, अर्थात इंडो कॉर्पेट। तो ये अरब सागर और मलक्का स्ट्रेट में आयोजित किया जा रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, इंडोनेशियन रुपया वहाँ पे मुद्रा है, और जोको विडोडो वहाँ के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत का पहला RBI से अधिकृत PPI प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है, तो ये ओमनी कार्ड है, जो RBI से लाइसेंस प्राप्त PPI अर्थात प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ये बन गया है। ओमनी कार्ड ने घोषणा किया है ये कि वह देश भर में किसी भी ATM से रुपए संचालित कार्ड का उपयोग करके नगद निकासी ATM से भी शुरू करने वाला पहला RBI
अधिकृत या लाइसेंस प्राप्त पीपीआई बन गया है और अब इसे डिजिटल वॉलेट से भी नगद निकासी करने की सक्षम करने की अनुमति देने के बाद यह कदम उठाया गया है आरबीआई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड एज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ मे 2022। हाल ही में किसे मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो ये एंजेलो मैथ्यूज को चुना गया है। और ये कहां से हैं, ये श्रीलंका के बल्लेबाज हैं, इनको मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। जबकि पाकिस्तान की पहली स्पिन सनसनी तुब्बा हसन, इनको महिला वर्ग में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई महीने के लिए चुना गया है। आईसीसी की बात हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यही है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी क्रिकेट खेलों का आयोजन कराता है। मुख्यालय इसका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में है। स्थापना इसका 15 जून 1909 में। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं और सीईओ जियोफ एलआरडीस हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, युवाओं के प्रशिक्षण और रोजगार देने के उद्देश्य से कौन सी मेला का आयोजन प्रत्येक महीने करने का घोषणा किया गया है, तो ये प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला पीएमएनएम ये शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को कॉर्पोरेट्स के भीतर ऑन ग्राउंड प्रशिक्षण और अधिक से अधिक अवसरों को जोड़ना और रोजगार पाने में इनको सहायता करना है। और ये जो योजना है, ये प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, इसको हिंदी में ऐसे कहेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला, भारत में 200 स्थानों पर ये मेला लगाया जाएगा और ये प्रत्येक महीना लगाया जाएगा अगले कुछ महीनों तक, ऐसा बताया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो रेलवे इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करेगा रेलवे का ये पोर्टल और ये उद्देश्य, इसका उद्देश्य वही है। चलिए और इसमें देखिए, ये है रेलवे नोन में सी वही इनोवेशन स्टार्टअप को हर तरह से समर्थन देगा और यहाँ तक कि स्टार्टअप्स को 1.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान भी दिया जाएगा। चलिए रेलवे से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। रेलवे की बात जब हुई है तो भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर से स्टेशन से थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर दूरी के लिए चलाई गई है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। भारतीय रेलवे में कुल 18 रेलवे जोन है जिसमें कोलकाता मेट्रो भी है। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई हैं और केंद्रीय रेल मंत्री अभी वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो श्री अश्विनी वैष्णव है और रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी विनय कुमार त्रिपाठी हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो ये पुणे में किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। पुणे में भी कहा, तो पुणे में महाराष्ट्र के पुणे में एक देहू जगह है, वहीं पे इसका किया गया है। देश देहू शहर को 17वीं शताब्दी से एक प्रसिद्ध कवि और भगवान विट्ठल के उपासक जगत गुरु संत तुकाराम महाराज द्वारा पवित्र किया गया है और यह स्थान विशेष रूप से वारकरी संप्रदाय द्वारा अत्यधिक पूजनीय है, जिसके लिए संत तुकाराम द्वारा लिखे गए छंद जिन्हें प्यार से तू को बा कहा जाता है, ये देखिए ये बहुत डीप जाएगा कभी परीक्षा तो ये पूछा जा सकता है, तो उनके जीवन का ये सार है। चलिए महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। 1 मई 1960 में स्थापना। उद्धव ठाकरे इसके मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी इसके राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मेटाफोर ग्रुप जो है तेलंगाना में 250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है, तो प्रश्न है कि मेटाफोर ग्रुप जो है समूह है किस देश की कंपनी है, तो ये यूएई की कंपनी है और बाकी चीज तो प्रश्न में ही स्पष्ट हो गया, वैसे फिर भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, वही बात यहाँ मैंने दिया है। और इसके माध्यम से मेटाफोर जो है ग्रुप है ये क्या करेगा, तो यह निवेश वोल्टली एनर्जी के माध्यम से किया है जो उन्नत ईवी टू व्हीलर निर्माण प्रदान करता है और ऊर्जा कुशल ईवी चार्जिंग समाधान भी प्रदान करेगा। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। मुद्रा वहां पे यूएई दिरहम और प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और क्राउन प्रिंस इसके अभी खाली है पोस्ट ये, क्योंकि पहले जो थे प्रेसिडेंट उनका निधन हो गया, प्रिंस जो यहाँ पे ये थे उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया, तब से क्राउन प्रिंस का पोस्ट अभी खाली है वहां पे। चलिए, हु हैज रिसेंटली वॉन द अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है, तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है और ये रेडबुल में अब तक के सबसे सफल ड्राइवर बन गए हैं इस जीत के साथ और रेडबुल सर्जियो परेज दूसरे और मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल तीसरे स्थान पर रहे हैं। मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है ये, तो ये कहाँ के हैं, कौन है, तो नीदरलैंड के रेडबुल रेसिंग ड्राइवर हैं, इसको ध्यान रखेंगे।
चलिए, हाल ही में लंबी दूरी की दौड़ के किस दिग्गज का निधन हो गया है? ये हरिचंद का निधन हो गया है। जाने माने लंबी दूरी की दौड़ के लिए माने जाते थे ये थे और ये 69 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। एशियाई खेलों में अपने समय में स्वर्ण पदक विजेता भी रह चुके हैं 2 बार। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का मृत्यु हो गया है। क्या नाम है इस हाथी का? तो भोगेश्वर इसका नाम है। 60 वर्ष की आयु में इसका मृत्यु हुआ है, वो भी नेचुरल कारण से, किसी खतरा से नहीं। उसका समय लगभग हो ही गया था इसीलिए। और ये हाथी का नाम भोगेश्वर है, इसको मिस्टर काबिनी के नाम से भी जाना जाता था। और इसका एक दांत 2.54 मीटर था और दूसरा 2.34 मीटर लंबा था। यह भी एक स्टेटिक्स है और डाटा है, इसको याद रख सकते हैं, पूछा जाएगा। एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर जो है कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में गुंदे रेंज में रहता था, जिसका अब निधन हो गया। बड़ी अच्छा प्रश्न है, देखने में लग रहा है ये कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है, ये प्रश्न बनेगा जरूर। हाल ही में देश में भारत में विलुप्त हो चुके सबसे तेज जानवर दुनिया का कौन है? चीता। तो इसको लाने के लिए समझौता हुआ है किस देश से? तो दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के साथ ये समझौता हुआ है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका से 12 चीता, नामीबिया से 8 चीता लाया जाएगा। उसके बाद भी आगे जारी रहेगा, फिलहाल इतना शुरुआत में लाया जाएगा। बाकी ये सब वही पॉइंट मैंने अपनी भाषा में लिखा है। चलिए, हाल ही में किस राज्य के द्वारा फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। और इसमें क्या है? तो सरकार ने योजनाओं के लिए आधार आधारित एकल खिड़की पंजीकरण के लिए किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। फ्रूट्स सॉफ्टवेयर स्वामित्व को प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड और कर्नाटक की भूमि डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करके एकल पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और इस राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1956 में बसवराज बोम्मई इसके मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव अर्थात अंडर सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है यूनाइटेड नेशन का? तो रबाब फातिमा, ये बांग्लादेश की अस्थायी प्रतिनिधित्व राजदूत हैं। रबाब फातिमा, इन्हीं को यूएन के अंडर सेक्रेटरी अर्थात अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय है और जनरल सेक्रेटरी अर्थात महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं और इनका भी कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है, तो अपडेट रखिएगा उसको। हाल ही में कौन भारत के 74वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? रिसेंटली हु हैज बिकम द 74th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? ये है किशोर राहुल श्रीवास्तव। 19 वर्षीय किशोर राहुल श्रीवास्तव भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ग्रैंड मास्टर केवल अगर कहीं दिखे तो कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे, तो ये चेस मास्टर होते हैं, चेस के खेल से संबंधित होते हैं। तो इन्होंने 9वें कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 के दौरान लाइव फाइड रेटिंग में 2500 येलो पॉइंट की बाधा को तोड़कर खिताब हासिल किया है। 19 वर्षीय राहुल श्रीवास्तव पी जो है तेलंगाना राज्य से संबंध रखते हैं। चलिए, ये रहा 21 प्रश्न। दोस्तों बहुत ज्यादा आज प्रश्न मिला था और सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आपको खुद समझ में आया होगा। उसमें जितना भी मैंने स्टैटिक्स और ये एक्स्ट्रा फैक्ट दिया वो कितने महत्वपूर्ण थे। 20 प्रश्न में कम से कम 150 प्रश्न तो जरूर हमने आपको लगभग कम से कम 150 जरूर प्रश्न बताया है। और आपसे उम्मीद करूंगा ये और आग्रह करूंगा कि टॉपिक वाइज क्लास बहुत सारे कराए गए हैं, उसको जरूर विजिट कीजिए, देखिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप इसी से अंदाजा लग गया होगा आज की क्लास से कि टॉपिक वाइज क्लास में क्या क्वालिटी होगा, आप खुद देखिए समझ में आएगा। और इसके अलावा आपसे मैं कमेंट में ये जरूर आप बताएं कि आपको अन्य किस टॉपिक पर क्लास चाहिए, क्लास में क्या कुछ बदलाव चाहते हैं या कुछ भी चाहते हैं या किसी टॉपिक पर किसी स्पेशल क्लास को चाहते हैं, तो वो आप कमेंट में बताइए, जरूर उस पर हम लोग काम करेंगे आपके लिए। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का है, वेयर हैज द 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO MC12 शॉर्ट में कहेंगे बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली? हाल ही में कहा WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका सही जवाब कल ही मैंने बताया था आपको, अब तक याद होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं याद है तो पुनः क्लास देखें या गूगल सर्च कर लें और पुनः इस जवाब को याद भी कर लें और कमेंट में अवश्य बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप चैनल पर, और आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि आए हैं तो प्लीज़ अब तक लाइक बटन नहीं दबाएं तो दबा दीजिए, इसे शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए और इन सभी सोशल मीडिया ऐप से जुड़ जाइए ताज़ा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।